हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं आज फाइनली आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के चैतुरगढ़, ये जगह का नाम है। और यहाँ एक पहाड़ है, पहाड़ बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही घना जंगल है, और मैं वहीं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मैं ऊपर पहाड़ की तरफ जाने लग गया हूँ। यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर में एक चमत्कारिक मंदिर और चमत्कारिक झील है, जिसको दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये देखिए रास्ता और पहाड़ देखिए कितना ऊंचा है, ये देख सकते हैं आप। मैं आधा पहाड़ चढ़ गया हूँ। रास्ते में एक शिव जी का मंदिर है, छोटा सा शिवलिंग है, और नंदी बाबा के साथ वहाँ पे बैठे हैं। और ये देख सकते हैं आप, लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ में एक छोटा बच्चा भी आया है और वो एंजॉय करते हुए चढ़ रहा है। और ये पहाड़ पे चढ़ना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। लगभग आधे घंटे 45 मिनट से हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ रहे हैं। और बच्चा देखिए, बच्चा डांस करने में बिजी है, कच्चा बादाम गाता है और यहाँ डांस कर करके जाता है। ये बच्चा है नीशू, और ये नीशू बच्चा जो है अभी डांस करने में बिजी है। और हम लोग इसके सहारे अभी पहाड़ पे चढ़ेंगे, और ऊपर में आपको यहाँ का चमत्कारिक मंदिर और झील दिखाएंगे। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, ये देख सकते हैं साइड व्यू कितना घना जंगल है। और ये बच्चा अभी भी जा रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं, लगभग हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये देख सकते हैं आप, हम लोग अभी पहुंच गए हैं। ये हनुमान जी हैं, यहाँ पे गदा लेके बैठे हैं। और इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये सेल्फी पॉइंट है, बेसिकली इसको मिनी कश्मीर बोला जाता है। यहाँ पे जंगल बहुत ही घना है और यहाँ कुहासा बारहों मास रहता है। ये देखिए बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये देखिए बंदर का मैं फ़ोटो ले रहा हूँ तो ये कितना चिढ़ गया है। और अभी हम लोग, ये देखिए बंदर डाली पे भी बैठे हैं। और ये आपका आ गया महिषासुर देवी का मंदिर, आपको कमेंट में जय माता दी लिख देना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो दर्शन करते हैं। ये मंदिर प्रांगण है और यहाँ पे लोग आते हैं। मंदिर जितना सिंपल है उतना ही अच्छा है। और ये हनुमान जी बैठे हुए हैं दो शेर के साथ, और हम लोग अभी आपको इस प्रांगण में दिखा रहे हैं कि लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। अभी आपको विशेष चमत्कार तो दिखाना बाकी है, अब हम आपको फाइनली तालाब की तरफ लेके आ रहे हैं। और ये है गर्गज तालाब, समुद्र तल से ऊंचाई 360 फीट है। और इस तालाब की विशेषता और यहाँ का चमत्कार जो है, यही तालाब है। मंदिर में आपको दिखा दिया, महिषासुर देवी का मंदिर है। ये तालाब बारिश हो या नहीं हो, इसमें हमेशा पानी रहता है। ये ही चमत्कार है कि समुद्र तल से ऊंचाई इसका 3060 फीट है, और पर्वत की टॉप चोटी पे यहाँ पे पानी कहाँ से आता है, और पानी आता है तो सूखता नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है अपने आप में। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, सरकार की तरफ से भी नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकें, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं गाइज। और जंगली जानवर जैसे भालू, चीता, शेर, हाथी, यहाँ आना खतरनाक है। और यहाँ ज़्यादा टाइम रुकना नहीं है। और हम लोग अब धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे।
क्योंकि हम लोग 2 घंटे से यहाँ टाइम व्यतीत किए और बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ बहुत ऊंचा होने की वजह से चढ़ते चढ़ते हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी और अब हम लोग नीचे भी जा रहे हैं तो भी वही हाल है, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा होने की वजह से यहाँ पे आप सीधे तो चढ़ नहीं सकते हैं, आपको बॉडी झुका के चढ़ना होगा, बॉडी झुका के उतरना होगा, मतलब कि बैलेंस बना के। ये देखिए मिनी कश्मीर, मैं आपको बेहद ही सुंदर नज़ारा दिखाने के लिए ऊपर चढ़ा और वहाँ से धीरे 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 नीचे जा रहा हूँ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा ज़रूर बजा दें, ताकि आपको घंटा बजाएंगे मंदिर का तो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद के रूप में आपको वीडियो मिलेगा। बस यही बात था। और हम लोग धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखें और धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में।